तो इस वीडियो में जानेंगे मेष लग्न के छठे भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा तो उसका कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इससे पहले हम पंचम भाव के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर शनि को लेंगे, उसके बाद बुध, और इस तरह से हम चंद्रमा तक बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन हम सूर्य की एक बार प्लेसमेंट की बात जरूर कर लेते हैं। आपका अगर इस प्रकार से मेष लग्न बन रहा है और अगर सूर्य इस तरह से छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो छठे भाव में सूर्य बैठे हुए पंचमेश होके जब सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं, कुछ हद तक ये सूर्य आपको संतान को लेके दिक्कतें, संतान के साथ मतभेद वगैरह, या आपके एजुकेशन वगैरह को लेके कुछ चुनौतियों का सामना करने की स्थिति दे सकता है। लेकिन ये सूर्य आपको ज्यादातर फेवरेबल रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर आपकी डेली लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सूर्य ज्यादातर आपको यहाँ मददगार स्थिति में ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पर पंचम भाव के कार्यों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं या कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, हालांकि आप उन चुनौतियों का सामना अच्छे से कर लोगे। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ शनि को लेते हैं। अगर आपका शनि छठे भाव में बैठकर सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पहली बात तो सूर्य और शनि दोनों के दोनों अपने मित्र राशि में, लेकिन सूर्य पंचमेश है और सूर्य निश्चित रूप से यहाँ पर शनि को प्रभावित करेगा जब अस्त हो रहा है। लेकिन आपको डिग्री वाइज डिफरेंस देखना पड़ेगा, डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज्यादा निकट है शनि तो यहाँ पर प्रभावित होगा वो सूर्य से, लेकिन क्योंकि शनि भी अपनी मित्र राशि में है तो कुछ हद तक वो सूर्य सूर्य के तेज का सामना भी कर पाएगा। लेकिन अब सूर्य अगर शनि को कंबस्ट कर रहा है तो जातक बहुत ज्यादा वर्कहोलिक तो होगा, लेकिन वो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको रिजल्ट अवश्य मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति में कुछ हद तक आपको थोड़ी समस्याएं शुरुआती जीवन में आ सकती हैं, स्टार्टिंग के समय में आ सकती हैं, हालांकि उसके बाद में आप उन समस्याओं से ओवरकम बहुत जल्दी कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस स्थिति में सूर्य आपको ज्यादा इजी कर देगा आपके इन भावों से संबंधित कार्य, क्योंकि शनि है वो 10th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो आपको मनी वाइज अच्छा रहेगा, कैरियर के मामले में भी अच्छा रहेगा, लेकिन कैरियर में कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस स्थिति में कुछ हद तक सूर्य यहाँ पर, अब कितना ज्यादा प्रबल सूर्य यहाँ होके बैठा हुआ उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हम ये मान सकते हैं, एक कंक्लूजन के तौर पे हम अगर इसको देखें, तो सूर्य जब भी शनि को कंबस्ट करेगा, ऐसे में आपके वर्क प्लेस पे कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, लेकिन आपकी लाइफ की जो प्रोग्रेस है वो स्लो नहीं होगी, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस काफी अच्छी होगी और आपको ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर बुध को। बुध जो कि तृतीय से हैं और खुद इसी घर के स्वामी हैं, तो सूर्य से अगर कंबस्ट हो रहे हैं, ये जातक की एजुकेशन में कुछ दिक्कतें जरूर लाएगा। जातक को बहुत सारी मुश्किलें ये हेल्थ वगैरह को लेके भी दे सकता है, लेकिन जातक सभी प्रकार की समस्याओं से निकल जाएगा एंड पे। अब ये जो समस्या यहाँ पर देगा सूर्य अगर बुध को कंबस्ट कर रहा है, तो जातक बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला, इगोइस्टिक हो सकता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो सकता है, वो जब बोलेगा तो दूसरों को बहुत तेजी से प्रभावित करेगा। तो ये एक तरीके से आपके कार्यस्थल पर तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप तर्क वितर्क वाद विवाद अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक आपके कम्युनिकेशन में ये एक ईगो भर देता है, एक ऐसी स्ट्रोंग स्थिति भर देता है जहां पर आप किसी को कुछ बोलते तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। अब सूर्य अगर बुध को कंबस्ट कर रहा है तो ऐसा जातक लोन वगैरह या कोई भी प्रकार की अन्य समस्या, जैसे वो अगर किसी कंपटीशन को फेस कर रहा है लाइफ में या किसी भी प्रकार के ऐसे स्थिति को फेस कर रहा है जहां पर उससे निकला नहीं जा रहा, उसको समाधान नहीं मिल रहा, उन स्थितियों में सूर्य आपकी अवश्य मदद करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे मामलों में आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब बुध अगर कंबस्ट हो रहा है तो ऐसे जातक को अपने भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ कभी कभी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये काफी ज्यादा हार्डवर्किंग भी होंगे इस वजह से, और थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव या चिंता की समस्या भी रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल के केस में यहाँ पर देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, इस वजह से सूर्य जब मंगल को कंबस्ट करेंगे तो मंगल ज्यादा पावरफुल होगा, तो ऐसे केस में जातक के अपने कार्यस्थल पर उसके विवाद हो सकते हैं अपने कलीग्स के साथ, कार्यस्थल पर उसको ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकते हैं जहां पर उसको कुछ खतरा हो सकता है। साथ ही साथ वो कुछ ऐसी जल्दबाजी करेगा या ऐसी गलतियां कर देगा जल्दबाजी की वजह से, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। इस स्थिति में ज्यादातर आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए,
जब भी सूर्य मंगल को कंबस्ट कर रहा है छठे भाव में, तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं को आसानी से हरा देगा। अपना कोई भी अगर हेल्थ इश्यू है उससे भी बहुत जल्दी और कम कर जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे जातकों को कुछ सीरियस इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं, कुछ सीरियस चुनौतियां आने के चांसेस रहते हैं हेल्थ वाइज भी, और उनके कोई ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद या बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद ही पराजित होंगे। तो इस केस में कभी कभी जातक को कुछ कॉर्ट केस या मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है, उसका अक्सर किसी न किसी से विवाद होता ही रहेगा, वो विवाद को जन्म देगा। इसके अलावा ऐसे जातक की जो डोमेस्टिक लाइफ है वो भी अच्छी नहीं होगी। फिर मंगल यहाँ पर अष्टमेश भी है, अष्टमेश मंगल यहाँ पर अगर कंबस्ट हो रहे हैं तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, सूर्य का प्रभाव बढ़ने से मंगल का भी प्रभाव बढ़ेगा। इस केस में आपको हमेशा अपने कार्यस्थल पर ज्यादातर शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, किसी के साथ भी कोई विवाद या मुकदमा इस तरह की स्थिति ना आए, इसके लिए आपको बचना चाहिए। साथ ही जातक अपने डेली लाइफ से बहुत जल्दी वो निकल जाएगा, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है डेली लाइफ में, या वो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, या उसकी लाइफ ऐसी चल रही है जहाँ पे बहुत कुछ फास्ट चल रहा है लेकिन जातक के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा, या हम कह सकते हैं जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन स्थितियों से आप इजीली ओवरकम कर जाएंगे। फिर ये आपके लोन वगैरह की स्थितियां हैं, आपको जहां जहां चुनौतियां आ रही है उन चुनौतियों से भी निकलने के लिए यहाँ पर सूर्य इनको मजबूती देंगे। फिर हम देखेंगे बृहस्पति को, बृहस्पति अगर यहाँ कंबस्ट हो रहे हैं तो ये कार्यस्थल के लिए तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन ये कुछ हद तक आपके भाग्य को लेकर चुनौतियां लेकर आ सकता है, संतान को लेकर कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। आपको मनी मैटर्स में सावधान रहना चाहिए, ऐसे जातकों को विदेश में ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है, ऐसे जातकों का धार्मिक रुझान या आध्यात्मिक रुझान थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। कैरियर इस वजह से मोस्टली आपका प्रभावित रहेगा और आपको फाइनेंस का भी कुछ इश्यू रह सकता है, लेकिन क्योंकि सूर्य साथ है, सूर्य साथ होने की वजह से आप अपना विवेकशील डिसीजन ले पाएंगे, आप बहुत स्ट्रांगली यहाँ डिसीजन ले पाएंगे और इजीली आप ऐसी समस्याएं जहां भी आपको आ रही है, चाहे अपने डेली लाइफ को लेके आ रही है या आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो सूर्य का एक हमेशा यहाँ पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। बट गुरु का प्रभाव भी यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि गुरु अग्नि तत्व ग्रह है, तो ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग टाइप के हो सकते हैं, वो कोई एक के साथ दूसरा एक और जॉब या बिजनेस करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब अगर स्त्री की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फिर उसके अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने की संभावना बन जाती है कभी कभी, या उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है। इसके अलावा आपके हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं हस्बैंड के लिए, लेकिन आपका जो हस्बैंड होगा काफी अच्छे से उनसे ओवरकम कर जाएगा। फिर हम देखें अगर यहाँ पर बृहस्पति अगर कंबस्ट है तो बृहस्पति नौवें घर का और बारहवें घर का स्वामी है, तो नौवें घर के जो रिजल्ट्स हैं उनको लेके कुछ चुनौतियां आपकी लाइफ में डेवलप हो जाएंगी। फिर क्योंकि नवम घर पिता का भी है तो पिता का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने पिता से सलाह ले सकते हैं, आप अगर विदेश जा रहे हैं या अपने कार्यस्थल को छोड़ के या अपने जन्म स्थल को छोड़ के कहीं दूर जा रहे हैं तो पिता की मदद ले सकते हैं, आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे शुक्र को, शुक्र अगर सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो रहे हैं तो शुक्र के यहाँ पर नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में आ रहे हैं और नीच की स्थिति में आने के बाद अगर सूर्य इनको कंबस्ट कर रहे हैं तो मैरिड लाइफ को लेकर काफी ज्यादा समस्या रहेगी, आपके कार्यस्थल पर आपका विशेषकर स्त्रियों के साथ आपकी नहीं बनेगी, उनसे कोई ना कोई विवाद आपका चलता रहेगा। सूर्य अगर शुक्र को कंबस्ट कर रहा है इस केस में आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की संभावना रहेगी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य शुक्र को जब भी कंबस्ट करेगा तो आपको अपने जीवन साथी से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है, आपको फाइनेंस के कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, अपनी फैमिली मैटर्स का आपको काफी ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपकी वाणी का घर भी है, और क्योंकि शुक्र के पास ये दूसरा भाव है, आप शुक्र के पास दूसरा भाव होने की वजह से कभी कभी आपको लोन वगैरह लेना पड़ जाएगा या इस प्रकार की चुनौतियां आ जाएंगी जहां पर आपके सामने वित्तीय चुनौतियां होंगी, उनसे ओवरकम करने का कभी कभी आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपका सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा सेवंथ हाउस प्रभावित होगा, सेवंथ हाउस प्रभावित होने की वजह से ज्यादा आपको दिक्कत आएगी अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में और जीवन साथी के साथ भी आपको रिश्तों में काफी चुनौतियां आने वाली हैं, तो ये सब रिजल्ट रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को, अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो चंद्रमा यहाँ होने की वजह से
देखिए कुछ हद तक चुनौतियां अवश्य आएंगी आपकी लाइफ में, मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा खराब स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी आप अच्छे से उन स्थितियों से निकल जाएंगे। लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाली अगर सूर्य चंद्रमा के साथ है तो। इसके अलावा लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ इश्यू चलता रहेगा, भले वो संतान को लेके इश्यू हो, भले अपने डेली लाइफ को लेके इश्यू हो, भले आपको मानसिक रूप से कुछ समस्या हो। साथ ही हमेशा कार्यस्थल पर भी विपरीत परिस्थितियां या तो देखने को मिलेंगी या फिर काफी ज्यादा चुनौतियां आ जाएंगी आपके सामने। तो ये स्थिति में हालांकि सूर्य आपको मदद ही करेंगे, जब चंद्रमा साथ होंगे तो आपके इमोशनल बैलेंस लाएंगे आप में। और ऐसे ऐसे केस में सूर्य जब भी चंद्रमा साथ होंगे तो चंद्रमा को स्ट्रोंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपको फोर्थ हाउस को लेके कुछ हद तक ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आप उन चुनौतियों से निकल भी पाएंगे एंड में, लेकिन आपके सामने काफी ज्यादा चुनौतियां आएंगी, काफी ज्यादा स्ट्रगल आएंगे आपके सामने। तो ये स्थिति बन सकती है। अब चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा आपकी माता का कारक भी है। माता का कारक होने की वजह से माता और पिता में आपके काफी मतभेद रह सकते हैं, कभी कभी फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रह सकते हैं। सूर्य अगर चंद्रमा को यहाँ पर साथ रख रहे हैं, यानी अमावस्या के समय अगर आपका जन्म हुआ है तो चंद्रमा बिल्कुल पास ही होंगे, और ऐसे केस में बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज आने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर सूर्य आपको एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देंगे, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा देंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा ईगो का आपको इश्यू आ जाएगा, कभी कभी माता के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने की स्थिति आ जाएगी। तो ये सारे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।